हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो हर उस बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आज इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर शॉर्ट सेलिंग सीखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो शॉर्ट सेलिंग के ऊपर बेसिक वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट सेलिंग करना सिखाऊंगा। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना नहीं आता है तो ये वीडियो पूरा एंड तक वॉच करिएगा। और हाँ, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर जिसमें मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बेसिक, इसके अलावा लॉन्ग पोजीशन बाय करके दिखाया हुआ है लाइव, तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग का लाइव डेमो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस ग्रो ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप लोग क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, इसके बाद आप भी कुछ इस तरह से ग्रो ऐप के होम पेज में लॉग इन हो पाएंगे। अब चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे शॉर्ट सेलिंग किया जाता है। तो दोस्तों, जनरली शॉर्ट सेलिंग तब किया जाता है जब आपको लगे कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है या मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब आने वाले समय में मार्केट का प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है, तो गिरते हुए मार्केट से पैसा कमाने के लिए शॉर्ट सेलिंग किया जाता है। अब देखिए, हम लोग एग्जाम्पल के लिए मान करके चलते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर शेयर में अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जोमेटो को ही लेकर के चलते हैं कि अभी इसका करेंटली प्राइस 53 रुपए चल रहा है, जो कि हमको लगता है कि बहुत ज्यादा इसका वैल्यू बढ़ गया है। 53 रुपए नहीं होना चाहिए, 43 रुपए होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सेल कर देंगे 53 रुपए में। इसके बाद मार्केट जब डाउन चला जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, तब हम लोग इसको खरीद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 43 रुपए चला जाता है ये, तो इसको हम लोग खरीद लेते हैं, तो 10 रुपए पर शेयर हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट गिरेगा लेकिन हमको प्रॉफिट होगा, क्यों? क्योंकि हमने शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है। अब देखिए, शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन ना आपको हर एक शेयर में नहीं मिलेगा, जैसे ये जोमेटो में आपको नहीं मिलेगा। कैसे आपको चेक करना है, सिंपली यहां पर हम लोग खोलते हैं और उसके बाद नीचे की तरफ पहले सेल पर क्लिक कर देते हैं। अभी तक हमने बाय नहीं किया हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इंट्राडे करेंटली नॉट अवेलेबल बोल रहा है। अगर हम लोग यहां पर सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर फिर से वही बोलेगा कि अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर शेयर में। तो मैं और कोई एग्जांपल लेकर के चलता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर गेल इंडिया को ही लेकर के चलता हूं, तो इस पर मैंने क्लिक किया। अभी आप यहां पर नीचे की तरफ आएंगे और आपको सेल और बाय का ऑप्शन मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने बाय करना सीख लिया है, आज के इस वीडियो में हम लोग सेल करना सीख रहे हैं। तो सेल पर क्लिक किया, अभी आप यहां पर देख सकते हैं इंट्राडे में सेलेक्ट हो गया है और हमको 5x का मार्जिन भी मिल रहा है यहां पर। और यहां पर आप देख सकते हैं आपको शॉर्ट सेल करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहां पर हम लोग एक डेमो पर्पज से इस शेयर को शॉर्ट सेल करके देखते हैं कि कैसे होता है। मतलब इस वीडियो में हम लोग केवल प्रोसेस सीखेंगे, बाकी ये वीडियो किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? तो हम लोग एक एग्जांपल के लिए लेकर के चलते हैं कि यहाँ पर क्वांटिटी एक ही डाल देता हूं मैं। तो देखिए, इसका प्राइस 143 रुपए है, लेकिन हमको अभी कितना पे करना पड़ेगा एक क्वांटिटी खरीदने के लिए, 28 रुपए 70 पैसे। ऐसा क्यों? पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि 143 को आपको 5 से डिवाइड कर देना है, तो जितना आएगा उतना आपको एक शेयर के लिए पे करना होगा। तो यहां पर हमने एग्जांपल के लिए एक शेयर डाला है, अगर 11 शेयर डाल दूंगा तो यही मेरे को 315 रुपए पे करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया आपने और यहां पर क्वांटिटी में डाल दिया मैंने एक। इसके बाद प्राइस में आपको लिमिट सेलेक्ट करके, जैसे अभी 43 रुपए 15 पैसे चल रहा है ना, तो अगर आपको 43 रुपए 50 पैसे पर चाहिए, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो जितना महंगे प्राइस पर आप सेल करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो 43 रुपए 15 पैसे चल रहा है, तो आप यहां पर कोशिश करें कि 43 रुपए 50 पैसे पर आप शॉर्ट सेल कर पाए, ठीक है? तो अभी फिलहाल मैं आपको लाइव डेमो दिखाना चाहता हूं, इसलिए अगर लिमिट लगा करके सेल करूंगा तो हो सकता है ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो इसलिए मैं यहां पर लिमिट को हटाता हूं और सीधा यहां पर मार्केट प्राइस पर ही सेल करके दिखाता हूं। तो मार्केट प्राइस मैंने सेलेक्ट कर लिया, 28 रुपए 70 पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे और जो आपके वॉलेट में बैलेंस रहेगा वो आपको यहां पर शो करेगा। तो चलिए मैं यहां पर सिंपली सेल पर क्लिक कर देता हूं। अभी आप यहां पर देख सकते हैं शॉर्ट सेलिंग हो गया है मेरा, सेल सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। अब मैं यहां पर डन पर क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग डैशबोर्ड पर आ गए हैं। अब यहां पर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो यहां पर क्या था, +1 था, यानी कि कुछ नहीं था, सिर्फ 1 था। अभी यहां पर आपको -1 दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज हमने शॉर्ट सेलिंग किया है
और आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों शॉर्ट सेलिंग करने के बाद जैसे जैसे इसका प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा, यानी कि 143 है तो 140 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। और अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो हम लोगों को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 143 से 145 48 हो जाता है तो हमको लॉस होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको एग्जिट करना भी सीख लेते हैं। अभी फिलहाल मैं तुरंत ही एग्जिट कर ले रहा हूँ, वैसे तो मेरे पास पूरे दिन भर का समय है, यानी कि मैं 3:20 से पहले पहले एग्जिट करके इससे और यहाँ पर से मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, शॉर्ट सेलिंग किए हैं, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग इसको बाय कर लेते हैं, बाय कर लेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप एड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, दो तरह से आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा करके कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने इसको इंट्राडे में शॉर्ट सेल किया है तो आज ही के दिन में मुझे 3:20 से पहले पहले बाय करके इस शेयर को बराबर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी के अभी एग्जिट करता हूँ और एग्जिट पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट पोजीशन कितना है, 1 है, -1 है, तो यहाँ पर क्वांटिटी में भी 1 ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब यहाँ पर मार्केट की जगह आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ मार्केट प्राइस ही सिलेक्ट करके बाय करता हूँ क्योंकि मुझे आपको लाइव दिखाना है। तो यहाँ पर चलिए अब मैं बाय पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने बाय पर क्लिक किया, बाय सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर सिंपली आप ऑर्डर डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ और डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट प्राइस कितना है, 143.15 चल रहा है और इसी प्राइस पर हमने एग्जिट भी कर लिया, तो इसलिए हमको यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही तो लॉस हो रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या लॉस हो सकता है, केवल मुझे जो ब्रोकरेज देना पड़ रहा है वो और जो रेगुलेटरी चार्जेस लगता है वो देना पड़ेगा। तो रेगुलेटरी चार्जेस कितना लगता है और ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है इंट्राडे पर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट नोट के साथ में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।